हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राधाश्री महाराज, आप हमारे बड़े भाई होकर हम सबको छोड़कर शत्रुओं की ओर क्यों जा रहे हैं? अरे जिस सेना में दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे योद्धा हो, उससे युद्ध करने का साहस तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। हाँ, इस युधिष्ठिर को ना तो जुआ खेलना आता है ना युद्ध लड़ना। युद्ध से पहले ही घबरा गया। क्षत्रियों के नाम पे बट्टा है युधिष्ठिर। हाँ, महाराज, युद्ध आरंभ के समय शत्रु के सामने यूं हाथ जोड़कर जाना उचित नहीं होगा। इससे पांडवों की सेना का साहस टूट जाएगा और शत्रु सेना की हिम्मत बढ़ेगी। हाँ महाराज, वापस चलिए और युद्ध करने का संकेत दीजिए। नहीं, मैं युद्ध करने का संकेत देने की अवस्था में नहीं हूं। अरे तुम सब लोग मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? चिंता मत करो, धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से पहले अपना धर्म निभाने गए हैं। धर्म निभाने? हाँ, धर्मराज अपने पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तथा दूसरे पुरखों के चरण स्पर्श किए बिना और उनकी आज्ञा के बगैर युद्ध कैसे कर सकते हैं? इसीलिए धर्मराज अपने पुरखों से युद्ध आरंभ करने की आज्ञा लेने गए हैं। यदि वो ऐसा न करते तो इस धर्म युद्ध का आरंभ अधर्म से होता।
पोते का प्रणाम स्वीकार कीजिए पितामह। कल्याण भव। हे पितामह, ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि जिन चरणों की पूजा और सेवा मुझे करनी चाहिए, आपके उन्हीं चरणों को छूकर आप ही के विरुद्ध युद्ध करने की आज्ञा मांगने के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा। पितामह, हम पांडवों को युद्ध करने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दीजिए। हे धर्मराज, मुझे तुमसे इसी शिष्टाचार की आशा थी। तुमने अपना धर्म निभाते हुए अपने पुरखों से अनुमति मांगकर बहुत अच्छा किया। मन प्रसन्न हो गया तुम्हारे इस शिष्टाचार को देखकर। परंतु हे धर्मराज, मैं तो प्रतिज्ञावत हूं, इसलिए अधर्म का युद्ध करने के लिए विवश हूं। परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद तथा आज्ञा देता हूं कि इस युद्ध में पांडवों की ही जीत हो। परंतु इस युद्ध में तुम मुझे पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए न कहना। मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकूंगा पुत्र। हे पितामह, पुत्रों का धर्म यह नहीं होता कि वो अपने पुरखों को उनकी प्रतिज्ञा से मुंह मोड़ने के लिए विवश करें। पुत्रों को तो चाहिए कि वे अपने पुरखों के वचन तथा उनके प्रण के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दे। परंतु यह मेरा दुर्भाग्य कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप निसंदेह कौरवों के ही पक्ष में रहे, यह आपका धर्म है। परंतु जब तक आप कौरवों के साथ रहेंगे, हम ये युद्ध कदापि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप अजेय हैं। हम सब पांडव मिलकर आपसे याचना करते हैं कि हम धर्म की गरिमा की रक्षा कर सके, उसका मान और भी बढ़ा सके। इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर कृपया बताइए पितामह कि हमें क्या करना होगा। एक ही उपाय है, हमारी हत्या कर दो। नहीं पितामह, आप हमारे शत्रु नहीं हैं। युद्ध भूमि पर शत्रु की सेना में खड़ा हर सैनिक शत्रु ही होता है, और फिर हम तो शत्रु सेना के सेनापति हैं। इसलिए हम तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हुए। तुम निसंकोच होकर हमारी हत्या कर दो। इतना बड़ा अनर्थ हमसे नहीं हो सकेगा पितामह। पुत्र युधिष्ठिर, हमारा वध तुमसे तो क्या, जब तक हम नहीं चाहेंगे, संसार के किसी भी योद्धा से नहीं हो सकेगा। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इस असंभव स्थिति में हम अपने धर्म का पालन कैसे करें, कैसे विजय प्राप्त करें, इस संबंध में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें पितामह। युधिष्ठिर, इस समय हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम कोई अच्छा सा अवसर देखकर फिर हमारे पास आना। तुम्हारी जीत का रास्ता हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे।
जो आज्ञा पितामह। संजय, तात्श्री ने यह क्या किया? कौरवों के शत्रुओं को विजय का आशीर्वाद दे दिया। महाराज, भीष्म पितामह ने अपने शत्रुओं को नहीं, अपने पौत्रों को आशीर्वाद दिया है। जो तात्श्री के विरुद्ध लड़ रहे हैं ऐसे पौत्र क्या उनके आशीर्वाद के पात्र हैं? ये युधिष्ठिर तो शकुनी और कृष्ण से भी कुटिल निकला। तात्श्री की भावनाओं का सहारा लेकर उन्हें मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के साथ विश्वासघात पर विवश कर दिया। प्रणाम गुरुदेव, कल्याण मस्तु। गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि आपका ये शिष्य आपकी आज्ञा के बिना ना तो एक बाण ही छोड़ सकता है, ना ही आपके आशीर्वाद के बिना ये युद्ध जीत सकता है। जानता हूं युधिष्ठिर, और यदि तुम आज्ञा लेने ना आते तो हमारा जी यही चाहता कि तुम हार जाओ। परंतु तुम्हारे शिष्टाचार ने गुरु का मान और दिल दोनों को बढ़ाया है। तो आप अपने शिष्य को आपकी दी हुई शिक्षा की प्रवीणता दिखाने और ये युद्ध जीतने का आशीर्वाद अवश्य देंगे। धर्मराज, गुरु की सदा ये इच्छा होती है कि उसका शिष्य अपने गुरु से भी आगे निकल जाए। इसलिए प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें आज्ञा भी दे रहा हूं और आशीर्वाद भी। तो फिर आप हमें उपदेश दीजिए कि हम अपना कर्तव्य भली भांति निभा सके। गुरुदेव, हे धर्मराज, जिस पक्ष में धर्मराज और धर्म पिता श्री कृष्ण हो, जीत तो उसी पक्ष की होगी ना। मैं भी यही चाहता हूं कि जीत धर्म की हो, अधर्म की नहीं। परंतु क्या गुरुदेव? परंतु जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर को नहीं छोड़ती, तुम युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए अपने गुरु की बात याद रखना। युद्ध जीतने के लिए तुम सब भाई मिलकर मेरी हत्या कर देना। नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे तो अच्छा है कि आप हमारी ओर से। नहीं धर्मराज, हम आपकी सेना का पक्ष लेकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो धर्मराज, मनुष्य अर्थ तथा धन का दास होता है। हम कौरवों के अधीन रहकर उनसे प्राप्त होने वाले धन से अपना और अपने घर परिवार का भरण पोषण करते रहे हैं। इसलिए यदि हमने कौरवों का साथ छोड़ दिया तो समझो अपने धर्म का साथ छोड़ दिया। ऐसा विद्रोह करने से पहले तो अच्छा है कि हमारे प्राण हमारे शरीर को त्याग दें, जिस पर कौरवों के नमक का ऋण है। गुरुदेव, भाग्य ने हम सबको कहां ला खड़ा किया है। यदि इस दुर्भाग्य का पहले से ही पता होता कि एक दिन हमें अपने गुरु के विरुद्ध भी लड़ना होगा, तो मैं आपसे शिक्षा कभी न लेता, कभी न लेता। कल्याण मस्तु।
प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, आप कुलगुरु हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म के मार्गदर्शक हैं, और मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक पथिक हूं। परंतु इस समय मैं धर्म संकट में पड़ा हूं, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं, फिर भी धर्म संकट की बात कर रहे हैं। लोग तो आपके धर्म आचरण से प्रेरणा लेते हैं और आप मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं। फिर भी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? युद्ध में मेरा धर्म गुरु का विरोध करना उचित है? धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह धर्मराज को जानने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं भली भांति जानता हूं, परंतु शिष्टाचार को निभाते हुए आपने यह प्रश्न पूछकर मेरे विरुद्ध वास्तव में युद्ध करने की आज्ञा मांगी है। आपका यह व्यवहार, यह शिष्टाचार मन को अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। इसलिए जाओ, मैं आपको युद्ध आरंभ करने की आज्ञा देता हूं। धन्यवाद, और मुझे यह आशीर्वाद भी दीजिए कुलगुरु कि मैं किसी भी सामर्थ्यशाली शत्रु को परास्त कर सकूं। हे युधिष्ठिर, आपकी असल चिंता क्या है मैं जानता हूं। मैं चिरंजीव हूं, इसलिए कोई मेरा वध नहीं कर सकता। परंतु इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि मेरा जीना ही पांडवों के हित में है, क्योंकि मेरी हर सांस आपकी विजय के लिए प्रार्थना करेगी। जाओ, विजयी भव। यदि कौरवों के सभी गुरु और पूर्वज पांडवों की ही विजय की प्रार्थना करेंगे तो कौरवों का क्या होगा? ये पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, इन सबके तन तो अवश्य कौरवों के साथ हैं, परंतु मन पांडवों के साथ है। संजय, पांडवों के साथ। महाराज, इस महासंग्राम की ये विपरीत स्थितियां ऊपर से देखने में तो विडंबना ही दिखाई देती हैं, परंतु गहरी नजर वालों को इस विडंबना के पर्दे के पीछे छुपे धर्म, कर्तव्य, सिद्धांत और शिष्टाचार के वो रत्न भी दिखाई देंगे जिन्हें ग्रहण करने से मानव चरित्र तारों भरे आकाश की भांति जगमगाने लगेगा। संजय, तुम मेरे आगे रत्नों और तारों की जगमगाहट का वर्णन करके मुझे नेत्रहीनता का आभास करा रहे हो। क्षमा करें महाराज, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूं? मैं तो केवल एक सत्य को दर्शाने का प्रयास कर रहा था। हे धर्मराज, तुम्हारे ये मामा शल्य महाराज अवश्य है, परंतु वो अपने वचन की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैंने दुर्योधन की चाल को न समझते हुए उसकी राजसी आव भगत से प्रसन्न होकर उसके अनुरोध पर वो जो मांगे मैंने देने का वचन दिया था, और उसने पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का वचन मुझसे ले लिया। अब आप ही बताइए धर्मराज, मैं एक क्षत्रिय होकर अपना वचन तोड़ दूं तो जग हसाई नहीं होगी? नहीं मामा श्री, आपका सम्मान हमारा सम्मान है, आपने संकोच अपना वचन निभाइए। परंतु ज्येष्ठ होने के नाते आप हमें उपदेश भी दीजिए जिससे हमें युद्ध में सहायता मिले और हम युद्ध जीत जाएं। धर्मराज, तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट रूप से कहो। मामा श्री, इस संसार में केवल दो ही सर्वश्रेष्ठ सारथी हैं, इनमें से एक है श्री कृष्ण
और दूसरे हैं आप। एक हमारे साथ हैं और एक कौरवों की सेना में। इसी तरह धनुर्धर अर्जुन इतने उच्च स्तर का योद्धा है जिसकी युद्ध कुशलता पर युद्ध का परिणाम निर्भर करता है। हां यह तो है। और फिर श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। इस तरह पांडवों का पलड़ा भारी है। यदि ऐसे ही कोई कुशल सारथी और कुशल योद्धा की जोड़ी कौरव ना बनाए तो कौरव मुझ जैसे सारथी का लाभ अवश्य उठाएंगे। परंतु अर्जुन जैसा युद्ध नीति में निपुण योद्धा कौरवों में कौन हो सकता है? है मामा श्री, और वो है कर्ण। कर्ण? हाँ मामा श्री, यदि कर्ण ने इस युद्ध का भार अपने कंधों पर उठाया तो वो अवश्य आपको ही अपना सारथी बनाएगा। क्योंकि कर्ण के अतिरिक्त आप जैसे सारथी का महत्व कौरव में कोई नहीं जानता। ऐसा होना अति संभव है। यदि ऐसा हुआ और उस स्थिति में जब आप कर्ण के सारथी होंगे तो उसे बातों में उलझाकर आप उसका ध्यान भंग कर सकते हैं। हां मामा श्री, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इस तरह आप कौरवों के साथ युद्ध करके अपना वचन निभाएंगे और कर्ण का तेजो भंग करके धर्म का साथ देंगे। धर्मराज, तुमने धर्म की सेवा का यह अनोखा मार्ग दिखाकर मेरे मन की बोझ को हल्का कर दिया। जाओ और युद्ध का प्रारंभ करो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। इस धर्म युद्ध में तुम ही जीतोगे। प्रणाम मामा श्री। क्षत्रिय कौरव योद्धाओं, इस समय मैं दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा हूं। मेरे पैरों के नीचे वो रेखा है जो धर्म से अधर्म को अलग करती है। इस रेखा के पार दोनों ओर की सेनाएं तथा उसका हर योद्धा यही मानकर युद्ध करेगा कि वही धर्म पर है। परंतु सत्य यह है कि दोनों की दोनों सेनाएं धर्म के मार्ग पर नहीं हो सकती। इसमें से एक धर्म के पक्ष पर है और एक अधर्म के मार्ग पर। परंतु आप कौरवों में से जो भी अपने मन से यह मानता है कि हम पांडव धर्म पर हैं, यदि वो योद्धा धर्म का साथ देना चाहता है तो यही एक क्षण है कि वो इस रेखा को पार करके हम पांडवों में सम्मिलित हो सकता है। धर्म के नाम पर मैं उसे आवाहन करता हूं कि वो वहीं जाए जिधर उसका मन है।
भ्राताश्री, धर्म के नाम पर योद्धाओं को भीख नहीं मिलती। यदि झोली ही फैलानी है तो इस युद्ध भूमि को छोड़कर किसी मंदिर की चौखट पर जाकर बैठे। छल कपट करके दूसरों के अधिकारों को छीनने वाले डाकू दान देना क्या जाने, ये तो हम दानी राजाओं का काम है। यदि तुमने हमसे छल कपट करके इंद्रप्रस्थ हथियाने की जगह अपनी झोली फैलाकर भिक्षा में इंद्रप्रस्थ को मांगा होता तो हम हंसकर दान कर देते। देखते रहिए सपने इंद्रप्रस्थ के, हाथ में कुछ नहीं आएगा। नादानों के मुंह कहां लगते हैं। चलिए भ्राताश्री आइए। मामाश्री लो, ये तो खाली हाथ जा रहे हैं। भांजे यदि तुम आज्ञा दो तो मैं चला जाता हूं बेचारे पांडवों के साथ। महाराज युधिष्ठिर, भ्राताश्री मैं आपके पास आ रहा हूं। युयुत्सु आपके पक्ष में युद्ध करूंगा। युयुत्सु, क्या आप मुझे अपने दल में स्वीकार करेंगे? युयुत्सु, तुम्हारे लिए स्थान केवल हमारे दल में नहीं है, हमारे दिल में भी है। आओ हमारी छाती से लग जाओ। तेला भाई आखिर 100 तेला ही निकला। मामाश्री ये तो हाथ से चला गया। अरे दासी का पुत्र एक जगह टिक भी कैसे सकता था। काश इसकी धमनियों में पिताश्री का खून ना होता। क्या कहा, मेरा पुत्र होकर युयुत्सु पांडवों से जाकर मिल गया। हाँ महाराज। असंभव असंभव असंभव। श्री कृष्ण तो इस युद्ध में एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, फिर वो किसी योद्धा से पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कैसे कर रहे हैं? देवी ये केवल एक साधारण युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है, जो एक ओर 100 दुर्गुण और दूसरी ओर 5 सद्गुणों के बीच होने जा रहा है, और इन दोनों के बीच स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही धर्म के मार्गदर्शक हैं। देवी भीष्म और आचार्य द्रोण अनुभव और ज्ञान के प्रतिबिंब हैं, जो 100 दुर्गुणों के दास बन गए हैं। 5 पांडव धर्म बल शौर्य सौंदर्य तथा विवेक इन 5 गुणों के प्रतिबिंब हैं। इन 5 गुणों के मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनना पड़ा, इसलिए इस धर्म युद्ध की शुरुआत शंख बजाकर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। यह बड़ी गहरी बात है जो ज्ञानी ही समझ सकते हैं।
युद्ध आरंभ होने वाला है। शंखों की ध्वनि सुन रही है ना? कैसे नहीं सुनूंगी मंगला, केवल यही एक ध्वनि 13 वर्षों से मेरे कानों में गूंज रही है। 13 वर्षों तक हर रात मेरे सपनों में शंख बजते रहे हैं। हर रात युद्ध की घोषणा होती है। हर रात कौरवों और पांडवों में महासंग्राम होता है और दुष्ट दुशासन के सीने को अर्जुन के बाण छलनी कर देते हैं, उसके घमंडी सर को भीम की गदा टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसकी निर्लज आंखें नोच डाली जाती हैं। भीम उसके धड़ से उन हाथों को उखाड़ फेंकता है जिनसे उसने मेरे इन बालों को छुआ था। मंगला, बस कीजिए महारानी, बस कीजिए। इस भयानक दृश्य की कल्पना से भी मेरा कलेजा कांप उठता है। परंतु मंगला, ये सपना तो मैं हर रात देखती हूं। मैं देखती हूं मेरे पांचों पति अपने अपने हाथों के चिल्लुओं में दुशासन का रक्त भरकर उसके स्पर्श से दूषित हुए मेरे बालों को धोने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। हाँ, और हर्षोल्लास और व्याकुलता से मेरी नींद टूट जाती है। मेरा सपना टूट जाता है। मेरा दिल भी टूट जाता है। मैं निराश होकर आकाश की ओर देखती हूं तो समय पौ फटने का होता है और मुझे सारा आकाश दुशासन और कौरवों के रक्त से लाल दिखाई देता है। लाल और उगने वाला सूरज ईश्वर की ओर से मुझे सांत्वना देता है कि वो दिन भी आएगा जब ये धरती भी इस आकाश की तरह तो शासन और कौरवों के रक्त से लाल हो जाएगी। लाल और आज वो दिन आ गया है मंगला। हाँ, आज वो दिन आ गया है। अब मेरा सपना सच हो जाएगा। अब मैं तो शासन के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी और मेरे बाल पवित्र हो जाएंगे। हाँ मंगला, मेरे बाल एक बार फिर पवित्र हो जाएंगे। महाराज, अब कौरवों और पांडवों के बीच महाभयंकर युद्ध होने जा रहा है। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न आक्रमण का आदेश देने वाले हैं। आक्रमण! आक्रमण!
रामायण की भयंकर गर्जना सुनकर कौरवों की सेना ही नहीं बल्कि हाथी घोड़े तक डरकर पीछे हट गए हैं। सब लोग छोड़ो मार, मारो। हे सारथी, भीम ने केवल अपनी घनघोरज से ही हमारी सेना में घबराहट फैला दी है। यदि वो इसी तरह चिंघारता रहा तो कौरव सेना में भगदड़ मच जाएगी, इसलिए उसकी गरज का गला घोटना ही होगा। चलो सारथी, हमारा रथ भीम के रथ के सामने ले चलो। चलो मत भीम, चीखने चिल्लाने से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध तो अपने शौर्य से, अपने बाहुबल से जीता जाता है। तुम्हें अपने बाहुबल पर बड़ा गुमान है ना? परंतु जो पुरुष किसी स्त्री पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है वो बलवान होकर भी नपुंसक होता है। भीम, देखा सा सुनकर कैसे तिलमिला उठे हो तुम। याद है ना द्रौपदी को किस तरह बलपूर्वक उठा ले गए थे तुम? आज मैं अपनी उसी पत्नी के अपमान का बदला लूंगा। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही मेरे सामने आ गए, आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। सावधान भीम! सेन के भीषण प्रहार को महारथी जयद्रथ रोकने में असफल रहे और वो अचेत हो गए। उनके सारथी ने तत्काल रणभूमि से रथ हटा दिया। भीम के इस आतंक से युवराज दुर्योधन व्याकुल हो गए हैं। हे गुरु कृपाचार्य, बचपन से ही पांडवों और सभी कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सहित युद्ध की संपूर्ण शिक्षा दी है, तो फिर ये भीम अकेला ही कैसे कौरवों का विनाश कर रहा है? हे युवराज, आपकी चिंता का प्रमुख कारण क्या है? मेरी चिंता का कारण भीम है। भीम, बचपन से ही मैं इससे घृणा करता आ रहा हूं, और आज जब से मैंने मेरे जीजा जी महारथी जयद्रथ को युद्ध भूमि पर भीम के हाथों हारते हुए देखा है, तब से इस भीम के प्रति मेरी घृणा और अधिक हो गई है। आप ठीक ही सोच रहे हैं युवराज, आप ठीक ही सोच रहे हैं। यदि भीम के आक्रमण को रोका नहीं गया तो पागल हाथी की भांति वो कौरवों को अकेला ही पैरों तले रौंद डालेगा। परंतु गुरु द्रोणाचार्य का ऐसा कौन सा शिष्य है जो इस पागल हाथी पर अंकुश लगा सके? मैं लगाऊंगा भीम पर अंकुश। मैं अश्वत्थामा
गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य भी और पुत्र भी। यह मेरे पिता और गुरु की शिक्षा का अपमान होगा यदि उनके पुत्र अश्वत्थामा के होते हुए किसी और योद्धा को शत्रु भीम पर लगाम देने के लिए चुना जाए। वाह अश्वत्थामा वाह! अब गुरु भाइयों का युद्ध देखने का आनंद मिलेगा। जाओ अश्वत्थामा जाओ, परंतु याद रखो कि तुम एक पागल हाथी से टकराने जा रहे हो। चलो सारथी। ओ तुम। चलो सारथी। अश्वत्थामा, तुमने मेरे रथ को बाढ़ से छेद कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। हाँ भीम, तुम भी मेरे पिताश्री के शिष्य हो और मैं भी। देखते हैं हम दोनों में से कौन सा शिष्य अपने गुरु का मान रखता है। हे अश्वत्थामा, तुम मेरे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हो और मेरे गुरु भाई हो, इसलिए मैं चाहता था कि अपने शस्त्रों को तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारा सम्मान करूं। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम उन अधर्मियों के साथ हो जिन्होंने मेरी पत्नी पांचाली द्रौपदी का अपमान किया है। इसलिए तुम मेरे सम्मान के नहीं, मेरे प्रकोप के अधिकारी हो। सावधान। कृष्णा